सहारनपुर में आज पूर्व एमएलसी एवं खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। पूर्व एमएलसी एवं खनन माफिया हाजी इकबाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। खनन माफिया एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल एवं भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और उसके पुत्रों की 203 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। हाजी इकबाल अभी फरार चल रहा है और उसके ऊपर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 का इनाम घोषित है। महला थाना जनपद सहारनपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 122/22 धारा 376D 354 खा 342 323 120 बी आईपीसी में इकबाल और बाला व इसका साथी दिलसाद वांछित अभियुक्त है, जो लगातार मुकदमा कायम होने के समय से अब तक फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन हाजिर नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध कुर्की नोटिस जारी किया है। यदि अभी नियत समय पर ये हाजिर नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। कितना इनाम बढ़ गया अब इन पर? किसी अन्य मुकदमे में इकबाल बाला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने नरेश सैनी की हत्या का सफल खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में सोनू पुत्र अतर सिंह, नितेश पुत्र राजवीर सैनी व हिमांशु पुत्र सोनू की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नाजायज असलाह व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना देवबंद में 26 सितंबर को एक नरेश सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी उसको, उसका आज खुलासा हुआ है। उसमें कुल 4 बदमाश थे, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई है देवबंद पुलिस द्वारा। इनके पास से जो तमंचा प्रयुक्त हुआ था घटना में वो बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। घटना के पीछे एक इनकी रंजिश थी, जिसमें एक महिला को लेकर रंजिश थी, और उसमें जो ये मृतक था मुख्य पैरोकार था, और उसको एक योजना के तहत इन्होंने अपने एक साथी को 50,000 रुपये देकर तैयार किया, और फिर अपने साथियों के साथ इन 4 लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। ये अगर आप देखेंगे तो पुलिस देवबंद पुलिस ने बहुत तत्परता से इसमें गिरफ्तारी की है। 48 घंटे के अंदर इस मामले में जो भी मुख्य अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी इन्होंने कर लिया। सर, नरेश का इसमें क्या रोल था, क्योंकि नरेश के चाचा को बताया जा रहा है कि वो लड़की लेके गए थे, तो उसका क्या रोल था, चाचा को क्या उनको भी टारगेट करना? सहारनपुर राधा कृष्ण मंदिर क्लब गांधी पार्क द्वारा दशरथ मरण, केवट लीला सहित भरत मिलाप की मार्मिक एवं भावपूर्ण लीला का मनोहारी मंचन जगदीश भंडारी के सशक्त निर्देशन में किया गया। राजा दशरथ के रूप में जगमोहन ने मार्मिक अभिव्यक्ति दी, जबकि कौशल्या करीना, कैकई वंशिका धीमान, सुमित्रा कनिष्का ने भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। मंत्रा को भी पसंद किया गया। वन गमन के समय मल्लाह केवट द्वारा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता के साथ संवादों को भी सराहा गया, जिसमें प्रभु श्री राम के रूप में उद्धव कोटक, लक्ष्मण के रूप में अभय प्रताप सिंह एवं सीता के रूप में मुस्कान तथा केवट के रूप में नीतीश कुमार को भी बेहद पसंद किया गया। अन्याय अन्याय कैसा? अन्याय नहीं तो ये क्या है? क्या ये आप बता सकते हैं कि माता ने क्या वरदान मांगे थे? पहले वरदान में तुमको राज्य लग, और दूसरे वरदान में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या हो गया? तो आपने मेरे लिए धन्यवाद और भैया के लिए राज्य लग क्यों ना मांग लिया? सहारनपुर की जुबली पार्क रामलीला में भी मंगलवार रात्रि श्री राम वनवास का मंचन किया गया, जिसको देखकर आए हुए सभी लोग भावुक हो गए। इस दौरान प्रधान महेंद्र तनेजा, संयोजक रम्मी धवन, महामंत्री विवेक मनोचा, साजन गंगा, नीरज कामरा, महेंद्र सचदेवा, प्रवीण तनेजा बिल्लू सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। माता का मुझे अच्छी तरह से याद है, साथ देना जानकी अपने पति भगवान का। सीते, तू वन में क्यों जाती हो? आप किस लिए जाते हैं प्रभु? मुझको तो मेरे
पिता की आज्ञा हुई है। आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं। मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाएं, वहीं मैं जाऊं। सहारनपुर के उत्तर रेलवे नाटक क्लब द्वारा माल गोदाम रोड परिसर में गत रात्रि दशरथ मरण व केवट लीला का उत्कृष्ट भाव से भावुक मंचन किया गया कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए व रघुकुल की रीत और परंपरा का निर्वाह करते हुए अयोध्या के राजपाट को त्याग कर वन को प्रस्थान किया। रात्रि लीला का नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्रीराम की आरती कर शुभारंभ किया।